एक बार फिर से मेरे न्यू टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए अपडेट। जैसा कि ये आप पत्र देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है 818 और प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सीवर सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे न्यूज टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वहां से दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो जैसा कि इसमें विषय देख रहे, जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर के परिसीमा में पढ़ने वाले विद्यालयों का सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। उपयुक्त विषय कहना है कि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर के परिसीमन में पढ़ने वाले प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों की सूची की आवश्यकता है, ताकि कार्यालय अभियंता पथ प्रमंडल विभाग शिवर के से दूरी का सत्यापन करना आवास भत्ता दिया जा सके। यानी आवास भत्ता अब जो विद्यालय मुख्यालय जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर के परिसीमा के अंदर है, वैसे विद्यालय के शिक्षकों का अब मांग आवास भत्ता बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ आवास भत्ता देने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। तो निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों की सूची, विद्यालय का नाम, विद्या 8 किलोमीटर के परिसीमन की सूची अनुमान से 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बिहार शिवहर को भेजा जा सके और शिक्षकों को इसमें कार्यरत सभी शिक्षकों का आवास भत्ता बढ़े हुए दर से दिया जाना सुनिश्चित करें। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।